वीडियो थोड़ा लंबी होने की वजह से इसको दो पार्ट में बनाया गया है, तो उसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स गिवन बाय यूजीसी फॉर डिफरेंट कोर्सेज, ओके, और द डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। सो हम लोग सब लोग जानते हैं कि यूजीसी जो एक इंडिया की बहुत बड़ी बॉडी है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशंस। जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको डिग्री देने की ये अथॉरिटी मिली हुई है, तो उसकी सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी है। तो क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग ये एक बहुत ही बड़ी बॉडी है जो सभी पॉलिसीज बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का भविष्य जो है आगे अच्छा रहे और स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी पैसे की वजह से या किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कोई भी बच्चा एजुकेशन से अछूता ना रहे, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, तो उसके लिए यूजीसी ने स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप का प्रोविज़न रखा है। और क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड हायर एजुकेशन फॉर ऑल की थीम पे ही काम करते हुए उसने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स अलग अलग सेक्शंस के लिए, इंडिया के अलग अलग क्लास के लिए, चाहे वो SC ST का हो या माइनॉरिटी का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो या कोई रैंकर है किसी यूनिवर्सिटी में, सो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इन्होंने स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स प्रोवाइड कराई हैं। सो कोई भी ये ना सोचे कि कोई पैसे की वजह से कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि ये भी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ये भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आई हैव सीन पीपल दैट दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट, और कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि फेलोशिप जितनी देनी होती हैं या स्कॉलरशिप जितनी देनी होती हैं गवर्नमेंट को, उतनी एप्लीकेशन नहीं आ पाती हैं बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको पता नहीं होता है, जो भी वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता है तो वो उतनी ही फेलोशिप्स के बारे में उन्हें मालूम रहता है। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप जितनी भी जनरल दी जाती हैं यूजीसी के द्वारा या दी गई हैं अभी तक, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उनके बारे में बहुत इन जनरल बताऊंगा। बाकी उनकी जो डिटेल्स है वो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है उसकी बात करूंगा मैं, दैट इज कॉल्ड दी स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। कि अगर कोई लड़की स्पेशली अपने माता पिता की इकलौती संतान है, एक बेटी है, और वो सोशल साइंसेस के फील्ड में रिसर्च करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप रखी गई है, स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में, उनके कमेमोरेशन में ये स्कॉलरशिप दी जाती है कि जो भी अपने माता पिता की लड़की इकलौती बेटी है और सोशल साइंसेस के फील्ड में रिसर्च करना चाहती है, PhD करना चाहती है, तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो वो अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए वेबसाइट पर जाके जो भी उसकी फर्दर डिटेल्स हैं वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है कि क्या क्या डेट है, किस किस सेशन के लिए, हर एक सेशन के लिए निकाली जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये एक स्कॉलरशिप मैंने बताई। दूसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगेन एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए इंदिरा गांधी जी की याद में एक पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी कि कोई अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो अगर वो अपने माता पिता की वो बेटी इकलौती बेटी है तो उसके लिए ये सरकार ने रखा है प्रोविजन कि उसको पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके उसकी डिटेल्स निकालनी है कि जब भी फॉर्म आता है, जब भी निकलता है, तो आप उसको अप्लाई करिए और यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। तो ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, अच्छा अमाउंट मिलता है इसमें भी, ठीक है, ये वन टाइम अमाउंट मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट्स स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। मीन्स अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में कोई रैंक होल्ड किया, यानी कि टॉपर रहा है, फर्स्ट रहा है, सेकंड रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, और वो आगे जाके कुछ पढ़ाई करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कॉलरशिप रखी गई, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, ठीक है। तो मेरिट के बेस पे जो भी टॉपर्स रहे हैं तो वो अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई करें और दे कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, अच्छा अमाउंट इसमें मिल जाता है, तो आप जाके यूजीसी की साइट पर इसको देख सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप की बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर
प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप रखी गई, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर एससी एसटी क्लास के बच्चे अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, चाहे बी टेक या एमबीबीएस या एमबीए एमसीए व्हाटएवर द प्रोफेशनल कोर्सेज दे वांट टू परस्यू, उनके लिए स्कॉलरशिप रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज स्पेसिफिकली फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो जो भी कोई एससी एसटी के हमारे भाई हैं वो जाके इस फेलोशिप को अवेल, इस स्कॉलरशिप को स्पेशली अवेल कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारी डिटेल इसके बारे में दे रखी होगी, कब कब फॉर्म आते हैं, कैसे, सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगली हम बात करते हैं ईशान उदय फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारे इंडिया का, जिसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो इसमें जो है जो रहने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए रखी गई है ईशान उदय। तो ये एक स्कॉलरशिप है, इसके लिए अप्लाई करिए अगर जो बच्चे वहाँ के हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, तो इसमें भी आपको पैसा मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई में इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स की बताई, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, इसमें फेलोशिप्स के बारे में बात की गई है, तो सेकंड पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।